लोग आपको हम लोग मिलकर फिजिक्स का एक प्रैक्टिकल है सोनोमीटर की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति ज्ञात करना, उसको हम सीखते हैं कि इसको हम कैसे प्रयोग में करते हैं और इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं आवृत्ति का। तो इसके लिए हमको सबसे पहले आवश्यक है कि हमको सबसे पहले जरूरत है एक सोनोमीटर का, ठीक है। सोनोमीटर, इसे हम सोनोमीटर कहते हैं, ये एक खोखला बॉक्स होता है जो कि कार्डबोर्ड से बना हुआ है। इसमें एक स्केल लगा होता है जिसके द्वारा हम उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। इसमें एक ब्रास वायर रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं दो छूरधार, जिसके द्वारा हम उसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं ताकि उसमें कंपन अच्छे से हो सके। और इसको एसी करंट सप्लाई करने के लिए एक हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसको हिंदी में अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, वो लगाते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर का एक सिरा इसके एक कोने के द्वारा शार्क में, और दूसरा जो है वो हम दूसरे सिरे पे लगा देते हैं तार का। नीचे तार में हम एक वेट लगाते हैं, ठीक है, ताकि तार में तनाव उत्पन्न हो। अब क्या होता है कि जब हम इसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करेंगे तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार से इस धारावाही चालक पर बल लगेगा। तो यदि चूंकि इसमें प्रत्यावर्ती धारा बह रही है तो प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करेंट, जिसका मान समय के साथ परिवर्तित होता है, यानी एक चक्र में वो एक दिशा में और उसी आधे चक्र में, एक चक्र के आधे भाग में वो एक दिशा में और दूसरे आधे भाग में प्रत्यावर्ती धारा दूसरी दिशा में बहता है, इसलिए लगातार दोनों ओर बल लगेगा तो ये तार कंपन करने लगेगा। तो जब ये तार कंपन करने लगेगा तो हम इसको इस प्रकार से दोनों छूरधार को हम इसका व्यवस्थित करेंगे कि तार में जो उत्पन्न होने वाला वाइब्रेशन है कंपन और ये प्रत्यावर्ती जो धारा की आवृत्ति है, जब दोनों समान हो जाएगी उस समय अनुनाद की स्थिति आ जाती है और कंपन सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। वही बढ़ा हुआ कंपन की स्थिति के लिए हमको ये प्रैक्टिकल में ज्ञात करना है कि वो कौन सी दूरी पर बढ़ता है। फिर वो हम एल का मान निकालेंगे और हमारे पास सूत्र है एफ इज इक्वल टू वन अपान फोर एल अंडर रूट टी अपान एम। इसमें हम मान रखेंगे जहाँ टी जो है तनाव बल है, स्मॉल एम प्रति एकांक लंबाई तार का द्रव्यमान है और एल वह दूरी है। तो प्रति एकांक लंबाई तार का द्रव्यमान हमको तार के वेट करके उसको हम दूरी से भाग दे के हम निकाल सकते हैं। नीचे जो द्रव्यमान लगा है उसे हम उसका हम तनाव बल निकाल लेते हैं और छूर धार के द्वारा हम दूरी निकाल लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले एक कागज का छोटा सा टुकड़ा जिसको हम राइडर कहते हैं, इसको तार के ऊपर रख देते हैं। फिर प्रत्यावर्ती स्रोत को चालू कर देते हैं। अब यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा बहना शुरू हो गया है। अगर इसकी जांच करना है तो हम ये मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को प्रत्यावर्ती धारा में सेट करके टच करके इसको निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारा पहले से पूरा अरेंज है, कहीं पे तार नहीं टूटा हुआ है, अच्छे से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब सही है। अब क्या करते हैं, हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं इस प्रकार। देखिए थोड़ा कंपन हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लाउडली बोलिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। हाँ ठीक, अब देखिए कंपन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। अब देखिए ये क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा इस चालक से बह रही है तो लगातार ये चुंबकीय, ये जो नाल चुंबक है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, इसके कारण उस पर बल लग रहा है और वो लगातार क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है। हमको अधिकतम कंपन की स्थिति प्राप्त करनी है। धीरे धीरे इसको सरकाते हैं, एक स्थिति आती है कि कंपन और ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, जहाँ पर ये देखिए, तो जहाँ पर अनुनाद की स्थिति होती है वहाँ पर कंपन सबसे ज़्यादा होता है और उस समय राइडर गिर जाता है। यही दोनों छूरधार के बीच की दूरी हम निकाल लेते हैं। यह दूरी हमको लगभग लगभग ये कितना मिलता है, तो ये लगभग हमको 50 सेंटीमीटर के आसपास हमको प्राप्त होता है। तो 50 सेंटीमीटर के ऊपर प्राप्त हो रहा है तो 50 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मीटर निकल जाएगा। तो जो मीटर में जो मान है
उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे किसमें, फार्मूला में। देखिए यहाँ पर एल की जगह में हमने लिखा 0.5, टी का मान है 9.8, क्योंकि हमने वेट जो लगाया है वो 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम को हम पहले मीटर में बदलेंगे, किलोग्राम में बदलेंगे, है ना। और किलोग्राम को फिर 9.8 से गुणा करेंगे तो टी का मान आएगा 9.98, ठीक है। और प्रति एकांक लंबाई तार का जो द्रव्यमान हमने ज्ञात किया तो आया लगभग 10^4 किलोग्राम, ठीक है। वो कैसे निकालना है, वो यहाँ पे है, क्योंकि उसका जो तार का द्रव्यमान है वो 5 ग्राम है ना, तो उसको ग्राम को हम लोग किलोग्राम में बदले, 5 ग्राम है तो एकांक 1 सेंटीमीटर कितने ग्राम का होगा, तो 1/10 ग्राम का होगा, यानी 0.1 ग्राम का, तो 0.1 ग्राम बराबर हो गया आपका 1/1000, 0.1/1000 बराबर हो गगया 10^4 किलोग्राम। तो ये हो गया आपका एन का मान। इन मानों को जब हम यहाँ पे रखेंगे और इसको गणना कीजिए, गणना करेंगे तो लगभग लगभग ये 50 हर्ट्ज आ रहा है। 50 मतलब होता है प्रति सेकंड 50 कंपन, तो 1 सेकंड में, है ना, तो 1 सेकंड में जो कंपनों की संख्या होती है उसके मात्रक होता है हर्ट्ज, है ना। तो चूंकि इसका 50 आ रहा है तो इसका जो प्रत्यावर्ती जो स्रोत है उसकी आवृत्ति कितनी निकल गई, 50 हर्ट्ज। तो इस प्रकार से ये प्रैक्टिकल हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रैक्टिकल को हम 1-2 बार और दोहराएंगे और औसत मान निकाल कर हम प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति ज्ञात कर लेंगे, ठीक है जी, समझ में आया सर जी, धन्यवाद।